जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी घर में छापे मारता है ब्लैक मनी को ढूंढने के लिए, और वहाँ पे जो उनको करोड़ों रुपए मिलता है उसको क्या किया जाता है? क्या उस सारी पैसा सरकार के खाते में जमा होता है या कुछ पैसा उस इंसान को दिया जाता है? चलिए सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। सबका बैंक अकाउंट के ऊपर नजर रखने के लिए, 50,000 से ऊपर लेन देन के लिए, और इनकम टैक्स चोरी ना कर पाए इसीलिए पैन कार्ड को बनाया गया। लेकिन लोग फिर भी टैक्स चोरी करता है और टैक्स चोरी किया हुआ पैसा बैंक में ना रख घर की दीवार में छुपा कर रखता है। इसी पैसा का हिसाब लेने के लिए जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनका घरों में रेड करता है तब हो जाता है बवंडर। पैसा गिनते जाता है मशीनों से, पैसा गिनते जाता है, करोड़ों का टैक्स चोरी किया गया पैसा सरकार किसी भी तरह ढूंढ लेता है। RBI सारे पैसे का हिसाब करता है और उसके बाद 60% पैसा सरकार के खाते में जमा होता है, और उसके बाद जबरदस्त केस ठोका जाता है, सारे पैसों के हिसाब लिया जाता है। अगर हिसाब मिल गया तो 40% पैसा दिया जाता है उनको, अगर हिसाब ना मिला तो पैसा भी सरकार के खातों में, और अलग से जेल तो होना ही है। और ये सारे पैसा देश के विकास के कामों में लगाया जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसा लोग है जो कि जेब में पैसा नहीं होने की वजह से भूखे रहता है या अच्छा खाना नहीं खा पाता, और इसी को ध्यान रखते हुए जापानी सरकार ने कुछ अमेजिंग कारनामा कर डाला। यानी कि जापान में अगर आपका जेब में पैसा नहीं होगा फिर भी आप खाना खा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, खाने के बदले उस होटल को आपको सर्विस देना होगा। जापानी सरकार ने एक नया लॉ बनाया, यानी कि नया कानून बनाया, जिसके तहत आप किसी भी होटल में खाना खा सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको होटल में कुछ बेसिक काम करना होगा, जैसा कि बर्तन साफ, झाड़ू देना और भी छोटी मोटी काम करना होगा, और उसके बदले आपको फ्री में खाना मिलेगा। आप कहेगा भाई भारत में तो हमारा एक कानून बहुत पहले से ही है, लिखित में नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद अगर कोई पैसा नहीं देता तो उनके साथ दो चीज किया जाता है, एक तो बर्तन साफ करना पड़ता है और एक मार मिलता है। आपको क्या कहना है इसके बारे में कॉमेंट जरूर कीजिए। और अचानक अगर बुरे समय में बाइक या स्कूटी चलाते समय अगर ब्रेक फेल हो गया तो क्या कीजिएगा? आप बोलेगा भाई बाइक का तो ब्रेक लगाने का जुगाड़ है, पता है, क्लच मार के गियर डालो, क्लच को छोड़ो और धीरे धीरे पिकअप को कम करो, और धीरे धीरे बाइक की स्पीड कम होते जाएगा और बाइक रुक जाएगा। लेकिन स्कूटी का क्या कीजिएगा? स्कूटी में तो गियर होता नहीं है, इनको कैसे रोकेगा? जबरदस्त जानकारी देंगे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। देखिए स्कूटी में भी गियर होता है, बाइक की तरह नॉर्मल गियर नहीं बल्कि कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन गियर होता है, यानी कि ऑटोमेटिक गियर। आप एक्सीलरेटर को बढ़ाएंगे तो गियर बढ़ेगा, और अगर एक्सीलरेटर को घटाएंगे तो गियर कमेगा और स्कूटी स्लो होगा। यानी कि स्कूटी में भी गियर होता है, और इनको स्लो करने के लिए तो पहले तो घबराना नहीं और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, यानी कि स्कूटी की स्पीड कम करना है, और कुछ दूर जाने के बाद स्कूटी अपने आप रुक जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, स्कूटी का चाबी नहीं घुमाना है, स्कूटी बंद नहीं करना है। अगर आप स्कूटी बंद कर दिए तो स्कूटी का कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक गियर लगना बंद हो जाएगा, और ठुकाई तो गारंटी है।